कहते हैं कि अपना प्यारा भारत यानी कि इंडिया पूरे विश्व में अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपनी विरासत के लिए जाना जाता है। लेकिन विरासत का मतलब सिर्फ हम साहित्यिक विरासत या फिर अपने मॉन्यूमेंट्स की बात नहीं कर रहे, बल्कि खाने में भी। यानी कि अगर हम फूड के मामले में देखें तो भी भारत एक हेरिटेज कैरी करता है। यानी कि सदियों से हमारे यहाँ जो खाना या कहा जाए जो पकवान बनते हैं वो आज भी लोगों द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। और माना जाता है कि इंडिया में आधे से ज्यादा लोग फूडी हैं। यानी कि उन्हें घूमने का मतलब भी खाना नजर आता है, कहीं जाने का मतलब भी खाना नजर आता है, और वो जिस भी राज्य में जाते हैं उस खाने को काफी चाव से खाना पसंद भी करते हैं। यानी कि अगर कोई एक पर्सन गुजरात से बिलोंग करता है तो डेफिनेटली उसे साउथ इंडियन फूड भी उतना ही ज्यादा पसंद होता है। अगर कोई कश्मीर से बिलोंग करता है तो उसे हमारे कहा जाए कि जो पूर्वांचल के राज्य हैं, यानी कि अगर हम बात कर लें बिहार की, झारखंड की, वो खाना भी उसे पसंद होता है। यानी कि कह सकते हैं कि फूड भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक यूनिटी लाने का काम करता है। अब आपको बता दें कि यहाँ पर इतना ज्यादा हम खाने की या फूड की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये जो फूड इंडस्ट्री है ये सदियों से हमारा काफी ज्यादा साथ देती आई है, हमारी अर्थव्यवस्था को एक मजबूती देने का काम करती आई है। लेकिन आपने कभी सोचा कि इस फूड इंडस्ट्री में इतना ज्यादा पोटेंशियल है, क्या आप भी एक एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बस कमी है तो आइडिया की। तो चलिए, मैं अंजू आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ ऐसे ही बिजनेस आइडियाज जो आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं और बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स की, कैपिटल की, एरिया की जरूरत भी नहीं होगी। IIT के टेक्निकल, प्रोफेशनल, इंडस्ट्रियल और स्किल कोर्सेज से बनिए जॉब एंड इंडस्ट्री रेडी। डाउनलोड एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। तो चलिए, आज का हमारा पहला बिजनेस आइडिया है बेकरी बिजनेस से। आपने देखा होगा हमारे भारत में चाहे कोई किसी भी उम्र का हो, यानी कोई छोटा हो, बड़ा हो, यंग हो, बूढ़ा हो, हर किसी को बेकरी प्रोडक्ट्स आजकल काफी ज्यादा पसंद आते हैं। और आपने भी एक चीज नोटिस की होगी कि लोगों के टेस्ट में भी काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से इन बेकरी बिजनेसेस को काफी ज्यादा बूम मिला है। और बेकरी प्रोडक्ट्स में अगर हम खासकर बात कर लें कुकीज की या बिस्किट वगैरह की, ऐसा माना जाता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कुकीज को या बिस्किट्स को कंज्यूम करने वाली कंट्री जो है वो अपना देश प्यारा भारत ही है, यानी कि इंडिया। और एक चीज आपने और भी नोटिस की होगी, आज के समय में चाहे सेलिब्रेशन छोटा हो या बड़ा हो, वेडिंग इवेंट हो, बर्थडे पार्टी हो या किसी भी तरीके का इवेंट हो, उसमें केक कटिंग का प्रोसेस जरूर होता है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि आप जब तक केक नहीं कट करते शायद आपकी पार्टी कंप्लीट नहीं होती है। तो बेकरी में बनने वाले जो केक्स हैं, साथ साथ उनके अदर भी प्रोडक्ट्स जैसे तैयार हो रहे हैं, आपने देखा होगा पैटीज वगैरह हैं या पेस्ट्री भी कह सकते हैं, कि इन सबका इतना ज्यादा चलन हो चुका है जिसकी वजह से इन बेकरी प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और इन्हें बहुत अधिक मात्रा में कंज्यूम भी किया जा रहा है। तो क्यों ना आप भी आज ही इस बेकरी प्रोडक्ट के बिजनेस को या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टार्ट करें। इसके लिए कुछ लाइसेंसेस की जरूरत होगी, कुछ कैपिटल की जरूरत होगी और साथ ही साथ आपको एक एरिया की जरूरत होती है। तो इतना ज्यादा आपके लिए ये डिफिकल्ट नहीं होने वाला। तो कमी थी आइडिया की, वो आइडिया आप यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं इन बेकरी प्रोडक्ट्स के मार्केट सिनेरियो के बारे में। अगर इंडिया के मार्केट साइज के बारे में बात करें तो 2020 तक इसका मार्केट साइज 7.60 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुका था और CAGR माना गया है कि 2021 से 2026 के दौरान 8.5% तक रहने वाला है। और अगर वैल्यूज में हम देखें तो 2026 तक यही मार्केट साइज बढ़कर 12.39 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर हो जाएगा। और अभी करंट में देखें तो इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिस्किट कंज्यूमिंग नेशन, यानी कि हम सबसे ज्यादा बिस्किट या कुकीज को कंज्यूम करने वाली कंट्री हैं। तो क्यों ना इस रिकॉर्ड को बनाए रखा जाए और साथ ही साथ कुछ नए एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन भी हम देखें। अब दूध, दही, घी, पनीर खाओ ही नहीं बल्कि उससे पैसे भी कमाओ। IIT दे रहा है डेयरी सेक्टर में बिजनेस स्टार्ट करने की फुल इन्फॉर्मेशन। डाउनलोड एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के अपने दूसरे बिजनेस आइडिया के बारे में जो कि रिलेटेड है डेयरी प्रोडक्ट से। आपने देखा होगा आज के समय में नाश्ते में बटर और ब्रेड सबसे ज्यादा खाया जाता है। बटर किससे बनती है?
मिल्क से, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट में ही काउंट होता है। इसी तरीके से घी, खोया, पनीर, चीज और ना जाने कितने तरीके की चीज, यानी कि चीज में भी हमें कई वैरायटी देखने को मिलती है। और आजकल आपने देखा होगा कि फर्दर प्रोसेस करके यानी मिल्क में कई तरीके की वैल्यूज को ऐड करके कर्ड या फिर कहा जाए योगर्ट या फिर खीर, ऐसे पैक्ड फूड आइटम्स तैयार किए जा रहे हैं जिसको लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। तो जिस चीज की डिमांड है क्यों ना उसमें ही एक बार हाथ आजमाया जाए, या फिर जो आप एक बिजनेसमैन बनने का सपना देख रहे हैं उसको पूरा करने का एक जरिया आप बना सकते हैं इन डेयरी प्रोडक्ट्स के बिजनेस को स्टार्ट करके। तो चलिए देर नहीं करते हैं और जान लेते हैं इसके मार्केट सिनेरियो के बारे में। अगर हम बात कर लें सिर्फ इंडियन डेयरी मार्केट साइज के बारे में तो 2020 तक ऑलरेडी 11,357 बिलियन इंडियन रुपीज में इसकी वैल्यू हो चुकी है। और CAGR की अगर बात कर लें तो 2022 से 2027 तक मेजर किया गया है कि ये बढ़कर 15.4% तक पहुंच जाएगा। और साथ ही साथ अभी रिसेंटली एक इकोनॉमिक सर्वे हुआ था जिसमें पाया गया कि 2021 से 22 के दौरान इंडिया बन चुका है लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन दी वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में हम सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन कर रहे हैं। और परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो 23% ग्लोबल मिल्क का प्रोडक्शन हमारी कंट्री द्वारा किया जा रहा है, और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मिल्क से ज्यादा कुछ हेल्दी शायद ही हो सकता है जिसमें एक साथ इतने सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं। तो क्यों ना आप भी इस हेल्दी इंडस्ट्री का पार्ट बने और आज ही शुरू करें इस बिजनेस को। अब जान लेते हैं आज का अपना तीसरा बिजनेस आइडिया जो कि रिलेटेड है हनी प्रोसेसिंग बिजनेस से। हनी यानी कि हम बात कर रहे हैं बी कीपिंग की या फिर एपिकल्चर की। आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर में हम जब भी बात करते हैं तो हमें लगता है कि हम केवल गेहूं, चावल, चना या मटर की ही खेती कर सकते हैं, लेकिन एपिकल्चर में भी बहुत ज्यादा बूम देखने को मिला है रिसेंट के इयर्स में, क्योंकि आजकल हनी की डिमांड सबसे ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोगों द्वारा की जाती है। कहीं ना कहीं शुगर को रिप्लेस किया जा रहा है हनी के द्वारा, क्योंकि ये आपकी बॉडी के शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। और आपने देखा भी होगा जो लोग एक्सरसाइज वगैरह मॉर्निंग में करते हैं या अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखते हैं वो भी अपनी मील्स में या कहा जाए अपने ब्रेकफास्ट से पहले हनी वगैरह का यूज जरूर करते हैं और करना भी चाहिए। और ये कल्चर भले ही हमें लग रहा है कि शायद नया है, लेकिन ये सदियों से हमारे यहाँ होता आया है। अगर हम बात करें एपिकल्चर की तो हनी बीज की एक कॉलोनी क्रिएट की जाती है जिसमें कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे कि आपको प्रोटेक्टिव गियर्स या फिर जो बी कीपिंग के सूट्स होते हैं, ग्लव्स होते हैं, इनकी जरूरत पड़ती है। और बहुत ज्यादा वाइड एरिया से आपको शुरू करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको प्रॉफिट नजर आता है तो आप इस एरिया को अकॉर्डिंगली बढ़ा सकते हैं और बहुत ज्यादा कैपिटल की भी जरूरत नहीं पड़ती। और इस हनी प्रोसेसिंग के बिजनेस में इतना ज्यादा पोटेंशियल है जिसमें आपके लिए एक विन विन सिचुएशन ही है, तो क्यों ना आप भी इस बिजनेस को शुरू करें। तो चलिए जान लेते हैं इसके मार्केट साइज के बारे में। अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ इंडियन हनी मार्केट साइज के बारे में तो 2020 तक वैल्यू किया गया था इसे 17.29 बिलियन इंडियन रुपीस के बराबर। और CAGR एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2021 से 2026 के दौरान ये 10% के आसपास रहने वाला है। और वहीं वैल्यूज में अगर हम देखें तो 2026 तक यही मार्केट साइज बढ़कर 30.6 बिलियन इंडियन रुपीस में कन्वर्ट हो जाएगा। और होना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर हनी की बात कर लें तो ये एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, साथ ही साथ इसमें वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट होता है, साथ ही साथ तो जैसा मैंने आपसे कहा कि ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने का काम करता है और आपके हार्ट की हेल्थ को भी काफी ज्यादा इम्प्रूव करता है। तो कुछ लाइसेंसेस के साथ यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो एसेंशियल लाइसेंसेस हैं अगर उनको आप ले लेते हैं तो इस बिजनेस को स्टार्ट करना काफी ज्यादा आपके लिए इजी होने वाला है। तो आई थिंक ये बिजनेस आइडिया भी आपको खासा पसंद आया होगा। तो चलिए जान लेते हैं आज का अपना चौथा बिजनेस आइडिया जो कि रिलेटेड है आइसक्रीम और आइसक्रीम कोन मेकिंग बिजनेस से। जी आपने देखा होगा कि बचपन में हम लोगों को आइसक्रीम काफी ज्यादा पसंद थी, लेकिन अब ये कहने की बात है हर किसी की जुबान पे आइसक्रीम का नाम जरूर होता है, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो या किसी भी एज के या उम्र के लोग हो। यही कारण है कि आइसक्रीम की इंडस्ट्री में हमें लगातार बूम देखने को मिल रहा है। अब आइसक्रीम में इतने ज्यादा फ्लेवर्स आने लगे हैं, इतनी ज्यादा वैरायटीज आपको इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से मिलती हैं या फिर शेप बेस्ड, यानी कि किसी को
कोन में खाना पसंद होता है, किसी को ब्रिक स्टिक्स के फॉर्म में खाना पसंद होता है। तो जितनी ज्यादा वैरायटीज बढ़ती जा रही हैं, उतना ही ज्यादा इस इंडस्ट्री के लिए जो मार्केट वैल्यू है वो भी बहुत ज्यादा क्रिएट होती चली जा रही है। इसमें बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स की भी जरूरत नहीं होती। अगर आप इससे रिलेटेड जो कप और कोन है उनको भी बनाना चाहते हैं तो साथ साथ इसका बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आइसक्रीम बनाने के लिए आपको फ्रीजर, प्रेशराइजर या फिर होमोजेनाइजर, इन सारी चीजों की जरूरत होती है। वैसे ही आप आइसक्रीम में जैसा भी चाहें उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर कर सकते हैं और एक बढ़िया आइसक्रीम के प्रोडक्ट को तैयार करके मार्केट में सेल के लिए रेडी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आइडिया भी आपको खासा पसंद आया होगा। तो जान लेते हैं इसके मार्केट सिनेरियो के बारे में। अगर हम बात करें सबसे पहले इसके प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, और बात करना भी जरूरी है, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन इसमें 45% तक का है, वो भी मिनिमम लेवल पे, यानी कि काफी ज्यादा अच्छी सिचुएशन आपके लिए हो सकती है अगर आप इस बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। अब जान लेते हैं 2020 तक का इसका मार्केट साइज कितना रहा है। यहाँ पे 201.4 बिलियन तक इसकी वैल्यू हो चुकी है, और फर्दर ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका CAGR भी 14% तक रहने वाला है 2021 से लेकर 2026 के दौरान। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां 2020 तक इसका मार्केट साइज सिर्फ 201.4 बिलियन था, वो मात्र आपके कुछ ही सालों में, यानी कि अगर हम बात कर ले 2021 से 26 के दौरान, यही बढ़कर ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, यानी कि 442 बिलियन इंडियन रुपीस के बराबर। तो आई थिंक फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड ये चार के चारों बिजनेस आइडियाज आज आपको खासा पसंद आए होंगे और आपने भी मन बनाया होगा इन बिजनेसेस को स्टार्ट करने का। तो ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.iid.org.in पर, या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप।